आपको पता है डिस्कवर होती हैं, जहाँ से भी आया जो पहला कल्चर प्रोवाइड किया गया था वो कैबी एक अदारा है इंटरनेशनल अदारा, उसने लैब्स को दिया था कि ये डायग्रोग्राम है। डायग्रोग्राम आपने देखा नहीं होगा लेकिन प्रोजेक्टों की साइज़ बहुत छोटा है, 2 mm उसका साइज होता है, तो फिर भी आपको ऐसे दिखा देते हैं। तो इसके ऊपर ये फर्स्ट कार्ड है, ये थोड़ा गौर से देखें, छोटे छोटे बारीक बारीक बहुत सारे जो है ना वो दे रहे हैं। असल में आपको नज़र इसलिए नहीं आते क्योंकि फिर उनका साइज छोटा है, ये इसका फुल साइज है, ठीक है। तो दूसरा चूँकि ये फ्लाइंग इंसेक्ट है तो ये कहीं एक ही जगह पे टिक के बैठता नहीं है, जो उसको मिली मिलेगा। तो रही बात जब पहला मेल और फीमेल का आपको मिल गया पेयर डायक्रोग्रामा का, उसको क्या करते हैं, अभी जैसे मैंने कहा कि लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट जितने हैं उनके एग्स को इसने पैरासिटाइज करना है। लेपिडोप्टेरा में कौन से हैं जो मेनली फ्रेसर है और सेरा यूज हो रहा है, और दूसरा हो रहा है हमारी लैब में साइटोटोगा। तो साइटोटोगा जो है ये बेसिकली साइटोटोगा आपने देखा है ये एक पेस्ट है, साइटोटोगा सिविलेला जो है ना ये एक पेस्ट है जो कि आमतौर पर गंदम भी होता है। ये इसके एडल्ट हैं सारे, तो ये हमने गंदम पे इसके एग्स डाले थे, इसके अंदर भी वो साइटोटोगा ग्रो कर रहे हैं। तो अब इसकी जो साइकोलॉजी है वो ये है कि हमेशा साइटो जहाँ पे सीज जोन, चाहे वो सोर्बन है, बीट है, कौन कौन सी हो सकती है, मेज है, राइस है, तो जहाँ पे भी मौजूद होती है वहाँ पे इसके जो फीमेल जाके एगिंग करती है ताकि उसका जो निकलने वाला लार्वी है उसको फौरी तौर पर नजदीक तरीन फूड सोर्स मिल सके। तो हमने इसके अंदर डाले थे एक्चुअली साइटोटोगा के एग्स, उसका लार्वल स्टेज और प्यूपल स्टेज वो इस ग्रेन के अंदर कंप्लीट होती है, उसमें से ये निकल आते हैं एडल्ट। इन एडल्ट को हम सेपरेट इस तरह के जो है ना वो प्लास्टिक के जार्स उसमें कलेक्ट करते हैं। तो अब ये पड़े रहेंगे, इनकी लाइफ 2 to 3 days है मोस्टली। तो इसके अंदर जो इनके एग्स होंगे, ये नीचे जाली लगी हुई है तो ये जाली के जरिए एग्स जो प्लेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो प्लेट में थोड़ा सा हमने वो मैदा डाला हुआ है उसमें मिक्स हो जाते हैं, तो हम छाननी के जरिए इनको अलहदा कर लेते हैं। उन एग्स की शेप जब ये फ्रेशली होते हैं तो वाइट कलर के होते हैं, जब वन डे हो जाता है तो फिर ये इस तरह का रेड कलर में चेंज हो जाते हैं। रेड कलर चेंज होने का मेन मकसद जो है वो यही है कि अब इसमें से जो लार्वा है वो निकलना, उसकी डेवलपमेंट जो है ना वो शुरू हो गई है, ठीक है। इसको आप पैरासिटाइज नहीं करवा सकते क्योंकि टाइकोग्रामा हमेशा फ्रेश ही जो एग्स होते हैं साइटो के उसको पैरासिटाइज करता है। तो ये वाले जो एग्स हैं इनको हम इस तरह के कार्ड्स होते हैं टाइकोग्रामा के, उसके ऊपर गूंद के साथ पेस्ट करके फिर ऐसे चैम्बर जैसे मैंने ये दिखाया छोटे छोटे प्लास्टिक के, इसमें हम कार्ड रख देते हैं, इसके ऊपर साइटो लगे हुए हैं और साथ ही टाइकोग्रामा हमने इसके कल्चर को एक्सपोज कर दिया है। तो ये 48 आवर्स के बाद इसको पैरासिटाइज कर देंगे। तो उसकी निशानी यही होगी कि जो जो एक पैरासिटाइज होता जाएगा तो उसका कलर जो है ना वो चेंज होगा। पहले इसका कलर येलो था, अब ये डार्क हो जाएगा। इसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा से गौर करें तो नीचे वाले कार्ड जो पहले वाले हैं वो उस पर डार्क कलर के हैं एक्स जो है। तो वो वाले कार्ड जो हैं जो हमने ये तैयार कर लिए इनको टाइको कार्ड्स कहते हैं या बायो कार्ड्स कहते हैं। तो फिर हम इनको फौरी तौर पे लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। लो टेम्परेचर की जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज 2 degrees to 10 degrees centigrade, वही टेम्परेचर जो कि आपके रेफ्रिजरेटर में नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसका होता है, फ्रीजर में नहीं, नीचे वाला पोर्शन उसका तकरीबन 10 degrees तक टेम्परेचर होता है। तो वहाँ पे ये पड़े रहते हैं, जब तक पड़े रहेंगे इनकी हैचिंग नहीं होगी। वहाँ से लेके फील्ड तक आपने उसी टेम्परेचर पे इसको फील्ड तक ट्रांसफ़र करना है। जब हम फील्ड में जाएंगे तो एक्सपोज हो जाएगा टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा 28 डिग्री के बाद इसकी हैचिंग शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आपने लैब से लेके फील्ड तक वो टाइकोग्रामा को पहुँचा दिया एग की शक्ल में, ठीक है। वहाँ पर भी इसका डर्ट बन के फील्ड के अंदर फैल जाएगा।
तो एक तो इसकी ये स्टोरी है कि आप हम लैब में रेयर कैसे करते हैं और फिर रिलीज कैसे करते हैं। दूसरा जो साइटो के एग्स हैं, इसका दूसरा एक और भी पर्पस होता है कि दे आर आल्सो फीड ऑफ लार्वा ऑफ कैसुपा। कैसुपा आपने देखा होगा, कैसुपा या कैसुपरला ये अक्सर मिल जाता है आजकल, उसमें कार्टन में भी है, मेज पे भी है, जहाँ पे भी आपको सकिंग इंसेक्ट नजर आएंगे, खासतौर पर मीली बाग, वहाँ पे नज़दीक नज़दीक कोशिश करें देखें तो आपको कैसुपरला मिल जाता है। तो उसकी भी शेप जानी को जानी सी है, ये इस तरीके से सब्ज़ परों वाला कीड़ा है। इसको कंफ्यूज नहीं करना, कि अक्सर लोग जो है इसको कंफ्यूज करते हैं कि ये कुछ शायद बेस्ट है, बेस्ट नहीं है, ये बेनिफिशियल इंसेक्ट है। हाँ जी, इसके अंदर भी उसमें भी उसे रिसेंटली निकला है ना, तो उसकी भी थोड़ी सी मैं आपको मेथडोलॉजी बता दूंगा कि इसको हम रेयर कैसे करते हैं। हम क्राइसोपरला के एग्स लेके साइटो के एग्स दोनों को इसमें डाल देते हैं, पेटी डिश के अंदर लार्वा निकलेगा, वो साइटो के एग्स को खाएगा, उसी के ऊपर लार्वल स्टेज गुजारेगा, फिर वो पीपल शेप में चला जाएगा। ये वाली जो पेटी डिश मेरे हाथ में है, इसमें लार्वे भी है नजर आ रहे, और इसमें ये जो कोकोन सी बनी हुई है व्हाइट कलर की, ये इसके प्यूपे हैं, और प्यूपे के बाद आपने देखा ये एडल्ट भी यहाँ से निकल आएगा। उस एडल्ट को हम ट्रांसफर करते हैं इस वाले केज में। इस वाले केज में जब हम ट्रांसफर कर लेते हैं तो फिर एडल्ट यहाँ पे तकरीबन 2 हफ्ते तक रहता है, तो उसको हम आर्टिफिशियल डाइट भी देते हैं। तो ये इसका एगलिंग जो पैटर्न है, ये ब्लैक कलर्स की जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा प्रेफर करता है। हमने एक ब्लैक शीट इसके अंदर इंसर्ट की हुई है ये वाली ना, तो एगलिंग इसके ऊपर होगी। जैसी एगलिंग होती है हमने इसको शीट को निकाल लेना है, दूसरी शीट डाल देनी है। जैसी ये शीट इन्होंने निकाली हुई है, इसके ऊपर ये एग्स कॉर्नर पे लगे हुए हैं, क्राइस ऊपर लगा दिए। ये जब फ्रेश भी होते हैं तो ग्रीन कलर होता है, जब